सो आई स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट विद बॉयज एंड द सोसाइटी आंटीज वर लाइक अरे ये लड़की बहुत लड़कों के साथ खेलती है अरे इसके इसको हम अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी को मना कर देती थी कि यू नो माय डॉटर विल नॉट गो एंड प्ले विद हर बिकॉज़ शी प्लेज अ लॉट विद बॉयज एंड शी सीन अ लॉट विद बॉयज हूएवर इज विद मी मतलब वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लाइक्ड बाय माय पेरेंट्स देन ओनली इट विल बी वर्थ टेकिंग इट अहेड आई रिमेंबर जोकिंग इट आउट दैट अगर मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया तो आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है There is a joke in my office that whatever I start will not be complete till I get Tapsee Pannu for that series. When we thought of Mother's Day and Dear Mom, of course, the first name that came to my mind is Tapsee Pannu. And today we have Tapsee Pannu joining us with her mother, Mrs. Nirmaljeet Pannu, for a conversation only on Pingvilla for Dear Mom. Hello, hello, everybody. Aap log kaise ho? Main bahut sundar hoon. इसका टिपिकल डायलॉग मैं जब से तापसी को जानता हूँ मैम आई हैव टू से दैट मतलब शी इज वैक्ट आउट इन अ वेरी नाइस वे कि हाँ एकदम बिंदास है बचपन में भी ऐसी थी मतलब वाज शी लाइक दिस ऑल द टाइम बिल्कुल शुरू से ही ये बिंदास ही थी बस अपनी मर्जी की करनी और सब कुछ कुछ चेंज नहीं है इसमें देखा मैं बोल रही हूँ कुछ नया नहीं है मेरा दिखती भी सेम ही हूँ बस मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसे एनलार्ज कर दी गई है वरना अगर मेरी हरकतों से लेके मेरे लुक तक सब कुछ थोड़ा सा बढ़ गया बाकी है सेम दिखने वाला ही सेम चीज ही है बट यू नो अमंग द टू ऑफ देम शगुन एंड तापसी आपकी बात सबसे ज्यादा मानता कौन था या फिर आज भी मानता कौन है ये बहुत आसान आंसर है शगुन You don't listen to them. I think वो अभी चल रहा है ना Instagram के ऊपर where मतलब the mother is with the two kids and वो who is more naughty. हाँ तो I think वो वाला अगर series खेलोगे तो वो it will be a very clear cut answer. उसके अंदर ये question होता है कि कौन सबसे ज़्यादा सुनता है शगुन, कौन ज़्यादा responsible है शगुन, क्योंकि शगुन एक मतलब बड़ा ही शांत स्वभाव का बच्चा है. जो कि शांत शगुन मतलब मम्मी जो कहे या पापा जो कहे वो सुन लेती है अब भी मतलब करती अभी बड़े होकर अपनी मर्जी ज्यादा है बट सुनती वो सबसे ज्यादा थी मम्मी पापा का शुरू से कंपेयर टू मी करती है हाँ वही मुझे बोला जाता था ना कि बाहर आके लड़ना मत बहसबाजी होगी मैं ज्यादा करती हूँ आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मैं क्यों ना करूँ ऐसा होगा तो क्या होगा ऐसा क्यों नहीं कर सकते so that is why they used to get very scared कि इसको बाहर लेके जा रहा हूँ तो पहले घर में instructions है कि बाहर जाके ऐसे बहसबाजी नहीं करनी कहीं पे but इसको बचपन से मतलब acting का कीड़ा था मतलब घर पे dance वांस करती थी वो बिल्कुल हाँ ये बता दो मम्मी ये बता दो सबको dance तो करती थी पर ये जो इसका कीड़ा कोई नहीं था acting का बिल्कुल कैसे आया? दूर दूर तक नहीं था कि एक्टिंग करनी है बिल्कुल मुझे तो यही हैरानी होती है कि ये स्टार कैसे बन गई ये एक्टिंग कैसे करने लग गई मुझे बड़ी हैरानी होती है इसकी मूवीज देख के कि ये कितना बदल गई मतलब जिसके अब था ही नहीं कि कभी कोई एक्टिंग करेगी ये लड़की और अब इतनी अच्छी एक्टिंग करने लग गई तो बस डांसर तो थी ये बचपन से डांस तो ये बचपन से करती आ रही है डांसर तो बहुत अच्छी थी पर एक्टर नहीं थी मैं तो यही कहती थी कि ये एक्टिंग कैसे कर रही है कि पिक्चरों में कैसी करेगी पर आप बहुत अच्छी कर बट जब डिसाइड किया इसने एक्टिंग करने का तब आपका रिएक्शन क्या था व्हाट वाज डिड यू गो एंड टेल देम फर्स्ट मतलब मैंने कोई ऐसा मतलब वैसे छुपा के तो था ही नहीं ऑर्गेनिकली हुआ बट मॉडलिंग करते करते एक्टिंग के ऑफर आ गए थे तो आया तो मैंने बता दिया था घर पे कि ये ऑफर आया है मैं सोच रही हूँ ये कर लेती हूँ ट्राई तो मम्मी को तो ठीक ही था मम्मी कहते हाँ मम्मी को तो था कि हाँ कर ले ट्राई वो तो बात थी कि पापा को कन्विंस कैसे करेंगे उसका पूरा प्लान था कि भैया पापा को कैसे कन्विंस करना है मतलब पापा को बताने के लिए तो मतलब मेरे को बाथरूम में रिहर्सल करनी पड़ती थी कि अच्छा अभी मैं जाके पहले ये लाइन बोलूंगी उसके बाद ये लाइन बोलूंगी उसके बाद ये लाइन बोलूंगी
स्पीच की रिहर्सल करती थी मैं जाने से पहले कि पापा के सामने कि कैसे प्रेजेंट करना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपने कितना हेल्प किया, आपने आपने समझाया तापसी के पापा को? नहीं, वो तो मैंने ही समझाया, वो तो फिर इसने जब जाना था तो इसने खुद ही समझा दिया. मैंने बस पूरा इसका मेरा सपोर्ट था इसको पूरा. हाँ, मम्मी का था कि मम्मी को कभी प्रॉब्लम नहीं थी, मम्मी का कहा जो तुम्हें करना है करो, मम्मी का था सपोर्ट शुरू से. मम्मी का इनफैक्ट मेरी ये शायद मैंने पहले भी बोला है किसी इंटरव्यू के अंदर, आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू और नो, कि मेरी पहला पोर्टफोलियो जो खींचा था वो मम्मी के सेव्ड पैसों से खींचा था. हाँ? जो हमने छुपा के बिना बताए किसी को. मम्मी और मैं गए थे दिल्ली में, हम रहते हैं जहाँ से वहां से मतलब नोएडा इतनी दूर घंटे से ऊपर का रास्ता है. हम दोनों गए थे साथ साथ में. मम्मी जो अपने पैसे सेव करती हैं अपने मंथली खर्चे से, वो सेव करे थे जितने मम्मी ने, वो उसमें से निकाल के मेरे पोर्टफोलियो में लगाए थे पैसे. तो हम दोनों गए थे पोर्टफोलियो खिंचवाने, एंड जिस दिन पोर्टफोलियो खिंचवाया था उसी दिन ही एक छोटा सा लगे हाथ ही उन्होंने कोई एक कैंपेन शूट कर लिया और अगला कैंपेन अगले दिन ही मिल गया. तो वो मतलब लग रहा था कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली है. पर इसका तो हमेशा प्लान ए ना हो तो प्लान बी रेडी रहता है. मतलब आई ऑलवेज टेल हर दैट शी नोज एवरीथिंग, जो मार्केटिंग बिजनेस ये वो, मतलब क्या तापसी पन्नू को सब आता है. तो कभी अगर आपको तो टेंशन ही नहीं था कि बाई चांस एक्टिंग में नहीं हो पाया तो कुछ ना कुछ तो कर ही लगी है. शी वाज सो गुड इन स्टडीज. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी थी ये स्टडीज में शुरू से ही, कि इसको पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए ना कहना पड़ता था, बस अपने आप ही इसने आके पढ़ना और स्कूल भी कभी मिस नहीं करना. मतलब बहुत स्टूडियस बच्चा था, तो इसलिए अब कुछ इसको कुछ शरारतें भी करती थी, हम इसको कुछ कहते ही नहीं कह नहीं पाते थे कि क्योंकि ये पढ़ने में तो अच्छी है, अब क्या कहें इसको. That is true. मैं एक बार चिकन पॉक्स के साथ चली गई थी स्कूल क्योंकि मुझे आई हैड चिकन पॉक्स एंड फोर्थ स्टैंडर्ड की बात है. मेरे को ना 100% अटेंडेंस चाहिए होती थी. एक तो मुझे मजा आता था स्कूल जाने में, दूसरा वो सर्टिफिकेट मिलता था एंड ऑफ द ईयर इफ यू हैव 100% अटेंडेंस. सो आई हैड गॉटन 100% अटेंडेंस इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड थर्ड स्टैंडर्ड. सो आई वाज लाइक कि मुझे तो फोर्थ में भी 100% अटेंडेंस चाहिए, हैट्रिक करूंगी मैं. ठीक है, तो वो चिकन पॉक्स हो गया. जब चिकन पॉक्स हो गया मैंने कहा नहीं 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 मैं चली जाती हूँ स्कूल, कुछ नहीं पता चलेगा. मैंने घर में मतलब आतंक मचा दिया था कि मुझे जाना है स्कूल, कोई मुझे रोकेगा नहीं. तो मैं जबरदस्ती अगेंस्ट द विल ऑफ माय फैमिली आई गॉट रेडी एंड मैं गई स्कूल. और मुझे नहीं पता कि इनमें से किसी ने फोन किया स्कूल वालों को, कि स्कूल वालों को पता चल गया कि मुझे चिकन पॉक्स हो रखे हैं. उन्होंने मुझे जाते सारी सुबह असेंबली से निकाल के वहां मेरे को रिसेप्शन पे साइड पे चेयर पे बिठा दिया कि आपको वापस भेजना घर पे, आपको आपकी तबीयत खराब है. आई क्राइड एंड क्राइड सो मच बिकॉज आई वॉज लाइक मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए. आई वॉज दैट ऑब्सेस्ड अ चाइल्ड विद स्कूल. पहले जब ये एक्टिंग करने वाली थी या फिर ये जब छोटी थी तो इसने मुझे बोला था कि there were a few relatives जो who were not nice to her. उनके उनका बिहेवियर कितना चेंज हुआ जब ये एक्ट्रेस बनी, आपने कितना नोटिस किया? बिल्कुल, बहुत. सबका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया. पहले जो जैसी बातें करते थे अब बात करने का उनका तरीका ही बदल गया. वो माइनस पॉइंट था अब वो प्लस पॉइंट हो गया उसका. तो फर्क तो बहुत पड़ा, बहुत ज्यादा. How do you take that change? More than relatives, very few, but mostly मतलब जो होते हैं ना घर के आसपास में रहने वाले लोग. क्योंकि मैं शुरू से मैं बाहर outgoing, I've been an outgoing kid. मैं घर पे बहुत कम रहती थी. सो मैं सिर्फ यूजली एक टाइम ऐसा था कि मैं घर सिर्फ खाना खाने और सोने आती थी. मैं स्कूल से आने के बाद आई यूज टू बी डाउन इन द सोसाइटी टू प्ले. अब नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम इज कि तुम मतलब आई थिंक 8वीं 9वीं क्लास के बाद गर्ल्स डोंट कम डाउन टू प्ले मच. यू नो दे ट्राई टू स्टे मोर इंडोर्स. बट मेरे को खेलना पसंद था बहुत, तो मैं फिर भी नीचे जाती थी. एंड आई एंडेड अप playing a lot with the boys of the society because ladkiyan utarti nahi thi zyada us time pe. So I started playing a lot with boys and the society aunties were like, arre ye ladki bahut
लड़कों के साथ खेलती है यार, इसके इसको हम अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी को मना कर देती थी कि यू नो माय डॉटर विल नॉट गो एंड प्ले विद हर बिकॉज़ शी प्लेज अ लॉट विद बॉयज एंड शी सीन अ लॉट विद बॉयज. आई एम लाइक बट आई लव टू प्ले, आई एम नॉट आउट, आई मीन आई कांट सिट एट होम, आई हैव नॉट प्लेड विद डॉल्स इन माय लाइफ, आई हैव ऑलवेज बीन going out and playing some games there on roadside street games and all that. So but yeah, but it's not conventional, it's not regular to see a girl play so much. Till 12th standard I kept going down and playing, which was not very regular to see at that point. So us time un logo ko thoda problem hoti thi, so I was very angry, and thankfully I was very happy my parents, my mom especially, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि उन्होंने मुझे मना किया हो कि तुम मत जा क्योंकि बाकी लोग ऐसा बोल रहे हैं. थैंकफुली ऐसा नहीं था, तो आई स्टिल केप्ट गोइंग. एंड या ऑफ कोर्स नाउ दो ज्यादा आंटीज हु कॉल अप मम्मी कि तापसी घर पे आए तो बताना. अभी जब आप जाते हो कहीं पे या फिर आप इवन इन पब्लिक प्लेसेस व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू एंड से दैट तापसी मदर, आपको कैसा लगता है? एक प्राइड आता है? बिल्कुल प्राइड तो आता है, पर वैसे ज्यादा मैं अपने आप को छुपाती हूँ कि जिसको नहीं पता ना ही पता लगे कि मैं तापसी की मम्मी हूँ. बस फिर बड़े और तरीके से देखने लग जाते हैं लोग कि ये तापसी की मम्मी है. सो जहाँ उनको लगे कि ज्यादा लोग देखने लग गए हैं या सबको पता चले, वहां से भाग लग जाते हैं इधर उधर. इनका पता चला तो मुझे अकेले छोड़ के उधर उधर भाग जाए सारे कि हम नहीं है साथ में. And on that note, we'll move on to the next segment, which is called Up Close and Personal, where we'll discuss the bond and the friendship that both of you share. So welcoming Tapsi Pannu and her mother for our second segment, which is called Up Close and Personal. Tapsi ने struggle बहुत किया है initial years में, उसको बहुत सारे rejection battle करनी हुई. You know, remember the conversation that we had, Tapsi. कभी उसने आपको phone करके, मतलब आपने phone किया, वो upset थी, ऐसा कभी हुआ? And how did you react to that? नहीं, इसने मुझे कभी नहीं बताया क्योंकि इसको पता है कि मैं बहुत टेंशन लेती हूँ. अगर इसने बता दिया मेरे को तो मेरा तो सोना ही हराम हो जाएगा. मैं फिर नॉर्मल नहीं रह पाती हूँ, तो क्योंकि वो टेंशन फिर मेरे से जाएगी नहीं, जो सबसे बड़ी टेंशन है. तो इन बच्चों ने मुझे कभी नहीं बताते कि हमें ये प्रॉब्लम है, आपस में ही आप दोनों ये सुलझा लेती हैं जो भी करती हैं. Mom is the biggest stress attracting magnet. She loves to attract stress. मतलब अगर कुछ नहीं भी है ना, मम्मी क्रिएट कर लेंगी उसको आउट ऑफ थिन एयर. कुछ चीज स्ट्रेस, मतलब कोई टॉपिक मुद्दा मिलना चाहिए रोज की रोज स्ट्रेस देने के. सो आई एम टेलिंग हर, व्हाई यू स्ट्रेस, सब कुछ तो सही चल रहा है, बट शी जस्ट लव्स टू बी, दैट्स हर फेवरेट हॉबी, टू बी स्ट्रेस. सो एक तो वो, और ऊपर से मुझे पता था कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री और हाउ थिंग्स हैपन हियर. And I know that they are very worried because I'm alone in a new place, like, you know, Hyderabad at that point or Chennai, जहाँ का मुझे ना culture ना language पता है, और पहली बार मैं घर से बाहर इस तरीके से गई हूँ all by myself. So मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी अगर मैं problem में हूँ कोई और मैं बताऊंगी तो मतलब उनको ज्यादा panic attack होगा मेरे से sitting there. So और मुझे और शायद ये ना बोले कि वापस आ जा. So that was the biggest fear कि वापस आ जा, नहीं मुझे वापस नहीं जाना है. So so that's why most of the times I was like कि नहीं मैं अपने level पे ही solve कर लूँगी. So I used to either solve it at my level or at max if I have to discuss it with someone it will be Shagun. When was the time कभी ऐसा हुआ है when you have not liked somebody that Tapsi liked, like any of the boys Tapsi liked, and what did you do? Did you stop dating that person? Did you stop seeing that person? Or did you like try to convince your parents? My mom barely knew about the boys in my life. I पता नहीं मम्मी को पता होगा कि नहीं. नहीं मुझे पता भी नहीं है. हाँ, my mom barely knew about the boys in my life. But ऐसा कभी हुआ? मुझे यही है कि जो करेगी. हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा अगर चुनेगी भी ना तो जो इसको ठीक लगा होगा वही, जो इसके इसको ठीक लगेगा वही करेगी. तो मुझे ये भी नहीं है कि ये चुनेगी तो कोई अच्छा नहीं होगा. ऑफ कोर्स पता नहीं क्यों मुझे फुल फेथ है इस पे. जो करेगी अच्छा ही करेगी जो इसको. एंड आई डिड नॉट शेयर इट विद माय पेरेंट्स बिफोर आल्सो बिकॉज़ आई वाज अवेयर कि इट्स नॉट रीच्ड द स्टेज वेयर आई कैन शेयर इट विद माय पेरेंट्स बिकॉज़ मे बी आई एम आल्सो नॉट दैट श्योर. इट वाज ओनली व्हेन आई वाज sure is when you know you share it with your parents because
आई मीन इवन दो माय मॉम स्पेशली इज क्वाइट कूल इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरे को था कि मतलब जब इतना इम्पोर्टेंस हो जाएगा किसी का मेरी लाइफ में, मैं तभी शेयर करना वर्थ है, वरना if I'm not sure why to introduce a new person in the family for when you're not so sure about it. So I never did that before. But Shagun ne in our interview had said that ab to matlab meeting ho gayi hai and of course it's an important part of your life and you've taken that step. And he's yeah, I mean, I've never hidden away from media or people when they've asked me about anything, because as I told you, mereko na jhoot bolna aur usko chhupane ke mujhe jo stories hoti hai na wo bahut mehnat ka kaam lagta hai. So isliye I clearly tell everyone, whoever is there in my life, my family knows about it. That's why I don't have to struggle to hide. True. But how important was it for you, is bar jab, when you are actually taking that step to make your parents meet somebody who you are sure of, how important is it for you and to see that they like that person? Of course, it's important. I mean, even if you come from a mentality ki bhai ab tumhe apni life, you have to live separately, you don't really live with your parents and all anymore when you start working. No, at least me and Shagun don't. Yeah. But it's still, we have that typical inherent Indian mentality that, you know, they should not dislike the direction you are headed in. I also was very aware in whenever I've had this selection in mind, ke matlab whoever is with me, matlab wo uske characteristics will be liked by my parents, then only it will be worth taking it ahead. I remember joking it out that agar mere mummy papa ne mana kar diya to I don't think kuch ho sakta hai. So I keep saying that. but that's a typical Indian mentality that's embedded. But aapko khushi hai, aapko khushi hai, Tapsi jaise settled hai in life, आप इसको शादी के लिए फोर्स करते हो कि नहीं मुझे ये जानना है? बट आपने शादी की बात की है इसके साथ? नहीं की है, पर जब इसको ठीक लगेगा कि ये सेटल होना चाहेगी तो होएगी, नहीं तो मेरा इतना प्रेशर कोई नहीं है कि ये शादी करे. मुझे पता है शादी में ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ, पता नहीं मेरे विचार ऐसे है. I am telling you, my parents have never asked me. मतलब I'm sure they want me to get married. But you're they want me to get married eventually. Yeah, that is for sure. Even I want you to get married eventually, whenever it is happening. Yeah, but it's never been a pressure कि अरे अभी करना है, नहीं तो तभी करना है, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा. I at least मेरे से मम्मी ने कभी प्रेशर ऐसा मतलब मेरे को नहीं दिया. But you know, before ending, I want to ask you one thing which is very important today. मैंने शगुन को भी ये बात पूछी थी. मैम तापसी एक्ट्रेस है, उसने इतने सारे मूवीज किए, इतने साल से वो कर रही है काम, तो अभी के लिए ना वो यूज टू हो गई है क्रिटिसिज्म बोलो या फिर ट्रोल बोलो या फिर सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी लिखता है, ये सब आप लोगों को सब बोलते हैं कि यू नो एक्टर्स कैन डील विद इट बट एक्टर्स फैमिलीज आर द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन दीस टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर रिटन. आप लोग पढ़ते हो ऐसे, आपको बुरा लगता है कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कॉमेंट देखा या कुछ पढ़ लिया या देख लिया जिससे आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा क्यों नहीं लगता? अगर कोई ऐसे गलत चीज लिखता है तो बुरा तो लगता है, क्योंकि मैं इसका सब कुछ पढ़ती हूँ. मैं कुछ नहीं छोड़ती. I was waiting, let her answer it, then I'll tell you what she does. She googles you. She googles the shit out of my name. मतलब मुझे कई बार तो लड़ना पड़ता है मम्मी से कि मम्मी प्लीज, मतलब उनको भी गूगल अलर्ट लगाना नहीं आता मेरे नाम का, नहीं तो वो लगा लिया होता मम्मी ने अभी तक. मतलब इससे पहले मैं तो कई बार मजाक उड़ाती हूँ मम्मी का कि फेसबुक पे अगर मैंने कभी कुछ डाला नहीं होगा उससे पहले मम्मी ने शेयर कर दिया होगा. मतलब शी इज जस्ट सो प्रोएक्टिव ऑन फाइंडिंग ऑनलाइन. जब से मम्मी को समझ में आया टेक्नोलॉजी यूज करनी आई है थोड़ी बहुत, सबसे मम्मी पापा गूगल द शिट आउट ऑफ मी एंड आई कीप टेलिंग देम कि मम्मी प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज द मोर नोन यू गेट द समटाइम्स यू बिकम लाइक अ थ्रेट टू सम पीपल. सम पीपल ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको 100% लोग पसंद करते हो. True.
तो कुछ लोग मुझे पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे. एंड ऐसा नहीं है कि मम्मी को पता नहीं है कि फिल्म वालों के साथ ऐसा होता है. मम्मी हैज फॉलोड फिल्म वर्ल्ड मोर देन आई हैव, एज शी टोल्ड यू, उनको फिल्म का कीड़ा था. हाँ, वो पता है मम्मी को. हाँ, शी नोज इट, बट शी स्टिल डू इट. बिल्कुल, शी डू इट. शी एंड डैड बोथ, बोथ. एंड देन दे विल रीड ऑल द कमेंट्स दैट आर ऑन माय पोस्ट्स. And everything, they'll read everything. I'm like, mummy, इतना तो मतलब मैं नहीं पढ़ती हूँ जितना आप लोग पढ़ते हो मेरे बारे में. But you so, know, yeah. on that note, that brings me to the end of this conversation. But ma'am, I have to tell you, it was a lovely conversation, and you should be super proud of Tapsee. She's a better human being, and I love her. And it's all because of you and the selfless love and the sacrifices that you have, you know, done for Tapsee and Shagun. So thank you. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये इंटरव्यू किया. थैंक यू.